केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ग्वालियर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश में आज से लागू हुई आदर्श आचार संहिता को लेकर बोले सिंधिया, चुनाव आयोग का जो निर्णय है उसका पालन हम सभी को करना है। सबसे बड़ा दान मतदान का होता है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी पांचों प्रदेश के मतदाता भगवान स्वरूप हैं। उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति पूरा समर्पण है। उनका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों को पूर्ण आशीर्वाद भाजपा के साथ रहेगा, यही कामना मैं दिल की गहराइयों से करता हूँ। विपक्ष द्वारा पीएम मोदी को पहले महादानव और अब रावण बताए जाने पर बोले सिंधिया, जिनकी विचारधारा हमेशा जनता के साथ नहीं है बल्कि सिर्फ अपने साथी और कुर्सी के साथ है। वे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो भारत से उभरकर विश्व पटल पर हैं, उनके प्रति जो दुर्भावना है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को प्रदेश और देश की जनता जवाब जरूर देगी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला की 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने के दावे पर बोली सिंधिया, मैं पहले भी कह चुका हूं, इस दुनिया में कोई भी राजनीति में ज्योतिष नहीं है। जनता का जो आशीर्वाद होगा उसका पालन करना, उसे सिर माथे लगाना हम सबका दायित्व है। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, इस दुनिया में कोई भी ज्योतिष नहीं राजनीति। जनता का जो आदेश होगा उसका पालन करना, सर माथे लगाना हम सबका दायित्व है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं 5 राज्यों की बात नहीं कर सकता, पर मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? उस दिन की सौगातों से खुश हो? हाँ, बदल रहा है ना ग्वालियर, चंबल की पानी की योजना, बड़े महाराज के नाम पे सिंचाई की योजना, एलिवेटेड रोड का दूसरा भाग, सब कुछ एक के बाद एक श्रृंखला चल रही है। नहीं, आचार संहिता तो आज लगी रही है। अभी जो चुनाव आयोग की मीटिंग है 12 बजे, तो उसी के आधार पे जो निर्णय चुनाव आयोग लेगा उसका पालन हम सबको करने का है। और सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा हक मतदान का होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पांचों प्रदेश के मतदाता, तो इसलिए मैं कहता हूँ मतदाता, क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है, उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, यही एक कामना मैं दिल की गहराइयों से हमारे मध्य प्रदेश की जनता, खासतौर से पांचों प्रदेश की जनता की तरफ से ये काम है। इस बार देखने में आ रहा है लगातार पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है, पीएम मोदी को पहले महादानव बताया, ईडी की कार्रवाई पर रावण बताया। देखिए, जिन लोगों की विचारधारा जनता के साथ है लेकिन अपने साथ कुर्सी के साथ सदैव रहेगी, वे एक राष्ट्रीय स्तर नेता जो आज भारत से उभर कर विश्व पटल पर उजागर हुए, उनके प्रति ये जो दुर्भावना है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को प्रदेश और देश की जनता जवाब जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।